ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री वर्चस्वमायुख्यमारोग्यमा विधाच्छोभमानं महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम शतसंवत्सरम दीर्घमायुः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। साल 2020 अच्छी बुरी यादों के साथ विदा ले रहा है, इसी के साथ साल 2021 का नया आगाज हो गया। इस नए साल से लोगों को बेहद उम्मीद है। 2021 में किसका होगा सितारा बुलंद, किसकी चमकेगी किस्मत, किसको होगा धन लाभ और किसे मिलेगी मनचाही नौकरी, किसे मिलेगा मनचाहा प्यार। आइए जानते हैं 2021 का वार्षिक राशिफल। भविष्यवाणी में मैं आपको राशि के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको साल 2021 की शुरुआत आपकी राशि पर कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूं। साल 2021 में गुरु मकर राशि में प्रवेश होंगे। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर में आएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष राशि से वृश्चिक राशि तक गोचर करेंगे। राहु वृष राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसी तरह से अन्य ग्रह भी सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहेगा। आइए जानते हैं नववर्ष 2021 का राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 बेहद शुभ रहेगा। इस वर्ष आपके कैरियर और बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि देव की कृपा आपके आर्थिक जीवन को खुशहाल बनाएगी। इस वर्ष आप प्रसन्न रहेंगे और लंबे समय से अटकी हुई योजना पूर्ण होगी। इस वर्ष आपको धन का लाभ होगा। इन सबके बीच आपका पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा रहेगा। आपके लिए उपाय नंबर 1, पूरे साल गणेश चतुर्थी का व्रत एवं गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करें। 2 नंबर, गाय को जौ गेहूं और उड़द के आटे की रोटियां शक्कर के सहित मंगलवार और शनिवार को गाय को खिलाएं। नंबर 3, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके 11 मंगलवार तक व्रत रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें व हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। वृषभ राशि वालों को नया वर्ष आपके लिए शुभ है। इस साल आपको नई सफलताएं उपलब्धियां मिलेंगी। नए साल में वैवाहिक जीवन और व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको अपने निर्णय की क्षमता को बढ़ाना होगा। शनिदेव की कृपा पूरे वर्ष भर रहेगी, आपके भाग्य को ऊपर ले जाएगी। आपके लिए उपाय हैं नंबर 1, संकल्प पूर्वक लगातार 1 साल तक शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखें व शुक्रवार को श्री दुर्गा पूजन, पंचकन्या पूजन और उन्हें खीर सहित सफेद वस्तुओं का दान दें। नंबर 2, गौशाला में शुक्रवार से शुरू करके 7 दिन तक गाय को हरा चारा एवं गुड़ डालें। नंबर 3, साल भर तक पक्षियों को बाजरा डालें और हरेक संक्रांति को नारियल सिर से 3 बार घुमाकर राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः पढ़कर चलते पानी में बहा दें। मिथुन राशि वाले, ये साल आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है, आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति बनाएंगे, जिससे जातक को धन की हानि हो सकती है। बृहस्पति और शनि के गोचर के चलते आर्थिक हानि की प्रबल संभावना है और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय नंबर 1, लगातार 7 शनिवार
सूखे नारियल को तेल का टीका लगाकर काली डोरी उस पर लपेट कर अपने सिर से 3 बार छुआकर शनि का बीज मंत्र पढ़ते हुए शाम के समय बहते पानी में बहा दें। लगातार नंबर 2, लगातार 6 बुधवार को श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और फलादि से कन्या पूजन भी करें। नंबर 3 उपाय, लगातार 6 बुधवार को साबत मूंग सामर्थ्य के अनुसार धर्म स्थान या अनाथालय में दान करें। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों को यह साल करियर की दृष्टि से बेहद शुभ है। साल की शुरुआत में मंगल ग्रह कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों को तरक्की दिलाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों को शनि और बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम देगी। इस समय आपको अधिक आर्थिक लाभ होने की संभावना है। उपाय, आप सर्प सूक्त का पाठ करें, विशेषकर वो जातक जरूर करें जिनकी कुंडली में काल सर्प का योग है। नंबर 2, रविवार का व्रत रखें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, लगातार 7 शनिवार सूखे नारियल को तेल का टीका लगाकर काली डोरी लपेटकर अपने सिर से 3 बार छुआकर शनि का बीज मंत्र पढ़ते हुए शाम के समय चलते पानी में बहा दें। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों को ये साल आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। इस साल आप धन अर्जित करेंगे और इस साल आप बड़ी सफलता की ओर भी बढ़ेंगे। पढ़ाई में किसी भी तरह का शॉर्टकट ना लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके लिए उपाय, रविवार का व्रत रखें और ब्राह्मण को भोजन, लाल वस्त्र, लाल फल, गुड़, नारियल, धर्म ग्रंथ के सहित दान करें। नंबर 2, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें और रविवार का व्रत भी साल पर्यंत तक करें। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र सामान्य रहने वाला है। आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। नई नई योजनाएं आपके जेहन में आ सकती हैं। आपके लिए साल की शुरुआत और साल का अंत सबसे बेहतर रहने वाले हैं। आपके लिए उपाय, आप 6 बुधवार साबुत मूंग सावर्थ के अनुसार धर्म स्थान में अनाथालय में दान करें। उसके अलावा लगातार 6 बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और फलादि से कन्या का पूजन करें। एक उपाय और, बुधवार व शनिवार को शिव जी पर दही, बेलपत्र पर चंदन व हल्दी का तिलक करके शिव अष्टोत्तर का जप करते हुए चढ़ाएं। उसके अलावा 2 फल व सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। तुला राशि वालों को नया साल कई बदलाव लेकर आ रहा है। कई क्षेत्रों में सफलता के आसार हैं। जून से जुलाई के मध्य में मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में काफी लाभ देगा। इस साल कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी और व्यापारियों के लिए यह साल बेहद शुभ है। उपाय, आप शुक्रवार का व्रत रखें व सफेद वस्तुओं का दान करें। नंबर 2, शनि के मंदिर में तेल चढ़ाएं व शनि स्तोत्र का भी पाठ करें। शुक्रवार के दिन पंचकन्या पूजन, गौशाला में 7 दिन तक गाय को हरा चारा व गुड़ जरूर डालें। वृश्चिक राशि वाले, यह साल वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मायनों में अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पुरानी किसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। इस साल आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। प्रेम के लिए वर्ष अनुकूल रहेगा और आप अपने प्रेमी को अपना बनाने में सफल होंगे। आपके लिए उपाय, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके साल भर तक हर मंगलवार का व्रत करें व छोटे बच्चों को मीठा प्रसाद बांटें। अंध विद्यालय या कुष्ठ आश्रम में प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सूखा अनाज या भोजन का दान करें।
गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा व व्रत आपके लिए अत्यंत शुभदायक है। धनु राशि वाले, आने वाला साल धनु राशि वालों को कैरियर की दृष्टि से बेहतर है। सहयोगियों की मदद से अच्छे फल प्राप्त होंगे। व्यापारी जातकों के लिए भी वर्ष अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस साल आपका स्वास्थ्य पिछले वर्ष की अपेक्षा ठीक रहेगा। शनि देव आपकी कुछ परीक्षा भी ले सकते हैं, जिससे आपको कुछ कष्ट भी हो सकते हैं। आपके लिए उपाय, मार्च के महीने तक विशेष रूप से बृहस्पतिवार का विधि के अनुसार व्रत रखें व श्री गुरु गायत्री मंत्र का 31,000 बार जाप करना शुभ होगा। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं व शनि स्तोत्र का पाठ करें। आप लगातार 16 बृहस्पतिवार को छोटे बच्चों को केले तथा बेसन की बर्फी बांटें। मकर राशि वाले, मकर राशि के जातकों को यह वर्ष शुभ फलदायक रहेगा। शनि और गुरु की युति आपके भाग्य को नई ऊंचाई देगी। व्यापारियों के लिए यह साल बेहद शुभ है। शुरुआती कुछ महीनों में आर्थिक जीवन में परेशानी आ सकती है। राहु वर्ष के मध्य में आपको धन लाभ के अवसर देगा। परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपाय, लगातार 7 शनिवार अपने इष्ट देव के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं व साल भर तक शनिवार का व्रत रखें। दूसरा उपाय, एक नीले रंग की बोतल में पानी डालकर 7 दिन तक धूप में रखें, फिर उसी ही पानी को नहाने वाले पानी में डालकर शनिवार से शुरू करके 27 दिन तक स्नान कर लें। तीसरा उपाय, लोहे की कटोरी में तेल का छाया पात्र दान करें और उस तेल को 5 शनिवार आग के पौधे पर डालें। उसके बाद उस तेल वाली कटोरी को वहीं पर दबा दें। कुंभ राशि वाले, इस साल आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस साल मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र के संबंध में किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस साल आर्थिक जीवन में खर्च अधिक होंगे। मेहनत अनुसार फल की प्राप्ति होगी। इस राशि के विद्यार्थियों को इस साल अधिक मेहनत की जरूरत है। उपाय, हर शनिवार को शिवजी को दही बेलपत्र एक चुटकी शक्कर डालकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। उसके बाद पीपल को भी जल दें। अपने जन्मदिन तथा लगातार 7 शनिवार को गरीब अंधे तथा कुष्ठ रोगियों को दवाई भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट करें। साल भर तक शनिवार का व्रत रखें। उसके अलावा अपने जन्म दिवस पर अपने वजन के अनुसार तुलादान करना कल्याणकारी होगा। मीन राशि वाले, मीन राशि वालों के लिए यह साल अनुकूल है। नए साल में आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस साल आपको अपने सहयोगियों का साथ भी मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी साथ मिलेगा। इस साल आपको आपके प्रयास और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आपके लिए उपाय, साल के शुरुआत से 27 गुरुवार तक धर्म स्थान में पीले लड्डू बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। उसके अलावा पूरे साल तक एक हल्दी की गांठ या पीला रुमाल या पीला कागज अपने पास रखें। एक दूसरा उपाय, 7 गुरुवार को पीले वस्त्र पीली बर्फी या पीले लड्डू धर्म स्थान में या अनाथालय में या अंध विद्यालय में दान करें। गुरुवार का विधि पूर्वक व्रत रखें और हर अमावस्या को गौशाला में चारा अनाज गुड़ आदि का दान करें। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही। आगे अगले एपिसोड में हाजिर होंगे आपके भविष्य फल के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।